नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर राजस्थान क्रिकेट संघ के मार्गदर्शन में बूंदी जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिता का हुआ समापन। राजकुमार दादी जी और प्यारे बच्चों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जिला ऐसा जिला है जहाँ जितने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अथवा भारतीय पुलिस अधिकारी सेवा के जितने भी युवा अधिकारी आते हैं, उनका प्रथम पोस्टिंग लगभग हमारे यहाँ होता है और वो बड़े शीर्ष पदों पर राजस्थान में वो पहुँचते हैं। जैसे जंगा साहब ADG हो गए हैं और वो भी शुरुआती दौर उनका यही रहा। उषा शर्मा जी अपने कलेक्टर रहे, अपने क्रिकेट में भी कई बार आई, वो चीफ सेक्रेटरी बनी। तो पहले तो हम यही शुभकामना करते हैं कि आप भी DGP तक पहुँचे और जब भी आप हमारे जब आप पहुँचे तब भी हम रहे न रहे, लेकिन हम तो 17 साल के होने आए तब भी आप समय देकर हमारे बच्चों को, उस टाइम जो भी बच्चे रहे उनको संभाले। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। सर, हमारे क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से प्रतिवर्ष ब्लॉक वाइज बच्चों का चयन होता है और जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड से ऑब्जर्वर्स आते हैं बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और करीब 25-30 बच्चों का कैंप हम हर साल लगाते हैं और ये कैंप हम हमेशा आपके चंद्रप्रकाश स्टेडियम में ही लगाते थे। पहले हमेशा सारे मैचेज भी वहीं कंडक्ट करते थे। इस बार हमने चूँकि खाली जमीन थी इसलिए हमने यहाँ एक एकेडमी डेवलप कर ली ताकि बच्चे रेगुलर यहाँ खेल सकें और मैं समझता हूँ मोर देन 50 बॉयज बच्चे जो है रेगुलर यहाँ शहर के क्रिकेट खेलते हैं शाम को और बिल्कुल हमारी तरफ से वो निःशुल्क सेवा, बच्चों को किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं और सारी सुविधाएं उनको मिलती है। राजस्थान क्रिकेट की तरफ से हमारे को रोलर भी, एक ऑटोमेटिक रोलर भी मिला हुआ है, डीजल रोलर, उससे भी हम इसका सारे पिचेज वगैरह टफ हमने यहाँ बनवा दिए हैं और बच्चे रेगुलर खेलते हैं। कुछ अब पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारी टीम अब 14th के बाद जो Under-19 टूर्नामेंट स्टेट में होगा उसके लिए पहली बार हम हमारी टीम को जयपुर भेज रहे हैं ताकि वो एकेडमी में 3-4 दिन 10 तारीख को चले जाएंगे तो वहाँ मैचेज खेलेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा खेलने के प्रति। पिछले कुछ वर्षों से जब से वैभव गहलोत जी अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ अभी मुझे IPL फाइनल में अहमदाबाद होते थे रहने का अवसर मिला तो वहाँ भी हमने देखा कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट और हमने उनसे कहा कि हमारे यहाँ स्टेडियम का विकास किया जाए और मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि या तो हमको दो विकल्प, मैंने आपसे परमिशन तो मैं बाद में लूँगा लेकिन मैंने पहले निवेदन उनसे किया है, एक तो हमने उनसे कहा कि या तो खेल सकूल में हमको जहाँ सभी तरह के टूर्नामेंट हो रहे हैं हमको भी जो वहाँ जमीन है उसमें एक ग्राउंड क्रिकेट का दिया जाए और या राज्य स्तर पर जो चंद्रप्रकाश स्टेडियम इसका MOU राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन करे पुलिस से ताकि उसका डेवलपमेंट हो और RCA उसको गोद ले ताकि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर तो कम से कम उसका डेवलपमेंट हो ही सके। उनके साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर प्रयासरत हैं कि ये क्रिकेट संघ के थ्रू बूंदी में क्रिकेट का एक अच्छा आलम पैदा करें। यहाँ के बच्चे साधुवाद देता हूँ और आज सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप निरंतर आगे बढ़ेंगे और एक दिन बूंदी का नाम और ऊपर रोशन करेंगे। काम जरूर नहीं है कि थाने में या पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाकर ही पड़े, हमारे घर में बैठे रहकर भी हम सुरक्षित हैं इस बात का भी हमारा काम पड़ता है। वो आज भी है, मैं माननीय पुलिस कप्तान जय यादव साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बालकों को आशीर्वचन के रूप में अपनी बात कहें। माननीय आज 15 दिवसीय जो क्रिकेट का ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके समापन समारोह में उपस्थित जिला क्रिकेट संघ के सचिव राजकुमार जी, डॉक्टर साहब मधु शर्मा जी, सैफुल हक जी, राजकुमार जी और समस्त यहाँ नौजवान हमारे जो देश के भविष्य हैं क्रिकेट के खिलाड़ी बूंदी के। सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी को, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे समापन समारोह में बुलाया। टेनिस तो मैं अभी 10 साल से खेलने लगा हूँ, इससे पहले मैं क्रिकेट ही खेलता था और आपको पता है क्रिकेट का कितना क्रेज़ है। मैं भी गलियों में और पार्कों में खूब खेला हुआ हूँ जब बचपन में था, छोटा था। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो उससे उनकी तरफ से भी खेला, JNU से खेला। फिर मैं तैयारी करने लग गया तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, अब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट टेनिस में आ गया तो अब मैं टेनिस खेलने लग गया तो अभी मेरा उसी में इंटरेस्ट है। लेकिन जो भी खेल खेलो अच्छे दिल से खेलो, अब तो हर खेल में बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्रिकेट में तो और भी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि IPL और इनसे आप लोगों का
जो बच्चे जो खिलाड़ी अच्छा बन रहे हैं उनका भविष्य एक तरफ से सिक्योर हो गया है, और राजस्थान सरकार भी आप देख रहे हैं जो खिलाड़ी हैं उनके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी उनको मिल रही हैं, तो भविष्य के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब तो पढ़ोगे लिखोगे तब भी नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बनोगे। तो इसलिए अगर खेल में दिलचस्पी है और आपके अंदर टैलेंट है और मेहनत करने का जज्बा है तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। राजस्थान से ही कितने खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की तरफ से खेले हैं, अभी आपको पता होगा एक रवि कुमार बिश्नोई, मैं आईपीएल में देखता हूँ, वो देश की तरफ से खेल चुके हैं। ये खलील अहमद हैं टॉम के, वो देश की तरफ से खेल चुके हैं, तो ये खिलाड़ी अभी खेल भी रहे हैं। तो हमारे राजस्थान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बस अच्छी सुविधाएँ मिल जाए और अच्छा उनको कोचिंग मिल जाए और प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, हमारे बूंदी की जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजकुमार गुप्ता आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बूंदी जिले के में बहुत टैलेंट है और ये जल्दी आगे निकलेंगे, राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे और अपने देश की तरफ से भी खेलेंगे। बस अपने जज्बे से मेहनत करते रहें, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता अपने आप आपके पास आएगी। जो भी बड़ा इंसान बनाए, जो भी बड़ा खिलाड़ी बनाए, किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। हाँ टैलेंट होना चाहिए, लेकिन टैलेंट को भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कम, और हमारे यहाँ पुलिस लाइन में भी एक क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, उसको मैं हम लगातार साफ सफाई करा रहा हूँ, तो वहाँ भी अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे खेलना चाहे तो वहाँ भी खेल सकता है उसको। और स्पोर्ट्स खाली होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए। अब आपने कोरोना के टाइम में देखा, जो लोग फिट थे, जिनके कोई पहले से बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं थी, वो जैसे ऐसी बीमारी कोरोना की COVID-19 आया तो उन्होंने आसानी से झेल लिया। जिनको पहले से ही कोई बीमारी थी, जो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते थे, उनको ज़्यादा समस्या आई। तो कोई ना कोई खेल अपनी फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मुझसे कोई सुबह बोले कि सुबह रोज 6 बजे उठ के खाली रनिंग करने चले जाओ, जिम करने चले जाओ, नहीं हो सकता। हाँ अगर कोई खेल खेलने की बात करेगी, चाहे कोई सा भी खेल हो, अभी टेनिस खेलता हूँ, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, तो उसमें इंटरेस्ट रहता है तो आराम से आप उठ सकते हो उसके लिए। तो इसलिए फिटनेस बनाए रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी, और स्वस्थ शरीर में ही से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डाइट का और इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कितना फिट है वो अपने फिटनेस में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्रिकेट के साथ साथ मतलब बैटिंग के साथ साथ वो अपने फिटनेस में बहुत जोर देते हैं। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, उससे ही आपका गेम भी इम्प्रूव होगा। तो अपनी फिटनेस पे भी उतना ही जोर दें, आपका न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या है, इसके बारे में भी काउंसलिंग ले सकते हैं कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि अपनी फिटनेस बनी रहे। और अभी कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके अंदर फिटनेस का बहुत बड़ा योगदान है, आपके पास आपने मेहनत कर जा सकता है अगर आप फिट हैं। तो इसलिए अपनी लगातार वार्म अप करना, तो 4-5 साल बहुत होते हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और पूरी उम्मीद है कि बूंदी जिले का आप लोग नाम रोशन करेंगे, और इसी जगह से ग्रामीण प्रवेश से ही निकल के जो खिलाड़ी आते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। इसी तरह आप लोग मेहनत करें, और हमारी तरफ से कोई भी सहायता कोई भी जरूरत हो हम लोग तैयार बैठे हैं। आपको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिला क्रिकेट एसोसिएशन आपके साथ, जैसे मैंने अभी सुना, पूरी तरह से आपके साथ तैयार है। आपको जो सुविधाएँ चाहिए वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बस आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, राजस्थान के लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है। जय हिंद। माननीय एसपी साहब ने बड़ी गंभीर बात कही है कि फिट इंडिया, यदि हम फिट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश भी बढ़ेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। और कोरोना काल में वह लोग इस कोरोना को झेल पाए, दूसरी जगह एडमिशन में भी आपको 3% 5% केवल क्रिकेट के मामले में या किसी खेल में यदि आपका फर्स्ट आए सेकंड आए तो आपको नंबर भी मिलके और बहुत सारे विद्यार्थियों से आप आगे हो जाते हैं। ये पूरे देश में है, तो कॉलेजेस में भी और जगह भी आपको इसका मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और आपका लोकप्रियता भी रहेगी। दो ही तो बातें हैं। एसपी साहब ने जिस वक्त कड़ी मेहनत की तो आज लोग भी है, आपके पास भी रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। आप मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और सीखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि वो सब यहाँ आके बैठ जाएं ताकि एक ग्रुप फोटो हो जाएगा।
मोहित अरनाउपुरी अभिनव अरनाउ सोनी दिवांश दर्श अभिषेक सचिव साहब से कहूंगा कि आज के अध्यक्ष सात जून से आपके शहर छोटी काशी बूंदी के कुंभा स्टेडियम में रेशमा रियल वुमेन हैंडीक्राफ्ट लेकर आया है राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर शॉपिंग का महाकुंभ, जहां आपको एक ही स्थान पर झूले, शॉपिंग, मनोरंजन, फूड जोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन परिधान, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, वुमेन हैंडीक्राफ्ट, हेल्दी और फिटनेस प्रोडक्ट वाजिब दाम पर उपलब्ध हैं। राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर मेले का शुभारंभ 7 जून से होने जा रहा है। बूंदी की जनता अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शॉपिंग का आनंद ले। स्थान कुंभा स्टेडियम, छत्रपुरा रोड, बूंदी। मोबाइल नंबर 8769925943। रेशमा रियल वुमेन एक बार सेवा का अवसर दें।